मित्रों नमस्कार। आज हिमाचल सरकार का एक सरकारी कार्यक्रम नगरोटा सूर्य में हुआ, जिसमें विशेष रूप से हमारे विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले स्थानीय मंत्री भी उपस्थित रहे और मुझे मंत्री जी का संबोधन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समझ सकता हूँ कि 2-3 दिन पहले जो मैंने एक बड़े ही इनोवेटिव ढंग से लंज नगरोटा सूर्य मार्ग की खस्ता हालत के बारे में जो खबर उजागर हुई, जिसको प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बड़ी बेखूबी के साथ कवर किया, मैं समझ सकता हूं कि उसकी मंत्री जी को बड़ी तकलीफ हुई है, वो बहुत आहत हुए हैं। उनके संबोधन से तो मैं सिर्फ यही समझ पाया हूं कि मंत्री जी ये चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र की कोई भी समस्या है उसको इस ढंग से उजागर ना किया जाए। मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि 13 महीने हो गए और आप मंत्री के अलावा ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, जनता की समस्याएं तो आपके सामने ही आएंगी। इतनी बौखलाहट दिखाने की बजाय मेरा निवेदन रहेगा कि आप जनता की समस्याएं हल करने के ऊपर ध्यान दें। इसी तरह की एक गौशाला की समस्या के बारे में भी 2 दिन पहले एक स्थानीय नागरिक ने ज्वाली में प्रश्न किया था, लेकिन उसका भी उत्तर आपने नहीं दिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पीडब्ल्यू मिनिस्टर श्रीमान विक्रमादित्य जी का, जिन्होंने मेरी इस इनोवेटिव खबर का संज्ञान लेते हुए तुरंत 10 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने आज पत्रकार मित्रों को भी धमकी दी है, मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी है, ये मुझे लगता है कि राजनीति में शोभा नहीं देता। बहुत दुर्भाग्य है आज JOIT से संबंध रखने वाले बहुत से युवा साथी आपके समक्ष अपनी समस्या लेकर आए, उनको भी अंत में मजबूर होके आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारे लगाने पड़े। और ये भी बहुत दुर्भाग्य है कि आपने फिर आदेश दिए कि इनको यहां से भगा दो। आपने जिस तरह से आज पत्रकारों के ऊपर, युवा साथियों के ऊपर, या उस खबर को देखते हुए बुखलाहट में जो बयानबाजी की है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जीप में उन्होंने मेरे कटआउट और मुख्यमंत्री के कटआउट लगाए और जगह जगह के ऊपर वो जीप रही और प्रेस में उन्होंने ये लिख दिया कि इस सड़क की वजह से कटआउट जो है वो नीचे गिर रहे हैं। जो जीप चलाने वाला, जो जीप के बीच बैठा हुआ था, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आपने 5 साल यहाँ के आप वाइस चेयरमैन रहे हो और यहाँ का ही MLA रहा है भारतीय जनता पार्टी का। मैं जानना चाहता हूँ कि नगरोटा सूर्या से ये जो आगे तक सड़क जाती है, कभी एक कितनी भी डाली हो सड़क के ऊपर, दो आदमी बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर यहाँ बैठे रहे और सेक्रेटेरिएट में उसका ऑफिस था, थोड़ी शर्म महसूस करनी चाहिए कि आपने क्या काम किया 5 साल। और आज उस सड़क के लिए मैंने जो है वो 10 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन किया है और वो सड़क जो आप देखते हैं गर्मियों के दिनों में कितनी खूबसूरत सड़क है। इस तरह के भाई आज लोग हैं जो इस प्रकार की घिनौने काम जो है वो करते हैं। लेकिन मैं तो उनके वर्खिलाफ FIR भी करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ खुद मैं पोलिटिकल आदमी हूँ, तो इस प्रकार के घिनौने काम है नहीं। प्रेस और मीडिया के मेरे दोस्त भाई यहाँ बैठे हैं, इस प्रकार के अगर आपकी कवरेज करेंगे तो मैं भी आपकी कंप्लेंट करूंगा, ये ध्यान रखना। कोई भी काम जो है वो ढंग से होना चाहिए। एक क्वेश्चन मार्क काम नहीं की आजकल नगरोटा सूर्या में, किया हुआ काम इन लोगों ने, सिर्फ लोगों को ठगवा दिया दुनिया भर के, इधर ढगो उधर ढगो। तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो है मेरे प्रेस के जहाँ अपने सब साथी लोग हैं, कोई इस प्रकार के न्यूज की वो जो है वो नहीं लगानी चाहिए, इससे कोई अच्छी जो है मैसेज नहीं जाता।